नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट नेटवर्क। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है और अब भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेल रही है और इस सीरीज के बाद सभी का नजर ऑक्शन पर होने वाली है। ऑक्शन से पहले RCB के लिए दो बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। दो ऐसी खबरें हैं जो हर RCB फैंस को जानना बेहद जरूरी है। अगर आप भी हैं RCB के फैन और चाहते हैं कि अगले साल का IPL RCB जीते, तो पहले तो आप ये खबरें देखिए और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि RCB अगले साल का IPL जीत पाएगी या नहीं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग क्रिकेट को काफी फॉलो करते हो और आप अपनी क्रिकेट नॉलेज यूज करके My11 सर्कल पर लाखों और करोड़ों रुपए जीत सकते हो। इस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर खुद VVS लक्ष्मण, सौरभ गांगुली, अजिंक्य राणे हैं, तो ये ऐप 100% ट्रस्टेड है। अभी 25 नवंबर से इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड सीरीज टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। इसमें आप लोग अपनी फैंटेसी टीम बना के अच्छा पैसा जीत सकते हो और अभी आपके पास एक रॉयल इनफील्ड जीतने का भी मौका है। साथ में अबू धाबी T20 लीग भी चालू हो रही है और इसमें आप लोगों के पास मेरी तरफ से एक ऑफर है। आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट में स्पेशल लिंक दिया हुआ है। आपको लिंक से ऐप डाउनलोड करने पर 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा और ये हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है, तो जल्दी डाउनलोड करें। कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, RCB एक अच्छी टीम है, कई सालों से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है वो अलग बात है, लेकिन RCB की टीम को देखा जाए तो टीम कहीं से भी गलत नहीं है। टीम हर साल अच्छी लगती है लेकिन आखिर में जाके कुछ गड़बड़ करने लगती है। बात करें RCB की तो अगले साल की तैयारियों में RCB जुट चुकी है। उनके पास 2-3 बड़े चेंजेस हैं। दरअसल दोस्तों, उनको एक पहले तो मिडल ऑर्डर को खोजना है, उसके बाद एक कप्तानी का बैकअप भी ढूंढना है। तो न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो भी इसी से रिलेटेड है। दरअसल दोस्तों, पहली न्यूज़ जो है वो RCB कन्फ्यूज है रिटेंशन को लेके। दरअसल दोस्तों, रिटेन केवल 4 खिलाड़ी किए जाएंगे जिसमें से 3 भारतीय होंगे। तो ऐसे में भारतीय टीम को देखा जाए तो उसमें से विराट कोहली और युजवेंद्र चहल को तो रिटेन करेगी RCB की टीम, लेकिन जो तीसरा भारतीय है उसको लेके काफी कंफ्यूजन में है RCB की टीम। दरअसल RCB की टीम चाह रही है कि किसको रिलीज किया जाए और किसको रिटेन किया जाए। सिराज और पादिकल दो कंसिस्टेंट यहां पर परफॉर्मेंस है RCB के लिए और दो कैंडिडेट हैं जो कि इस साल के IPL में अच्छा प्रदर्शन भी किए थे। ऐसे में RCB अब कंफ्यूज है कि इन दोनों खिलाड़ियों में से किसे रिलीज किया जाए और किसे रिटेन। अब देखने वाली बात क्या होगी कि इसका कंफ्यूजन का जो नियम है वो कितने दिन तक चलता है और कब जाकर इनका रिजल्ट आता है। दरअसल दोस्तों, RCB एक अच्छी टीम तो है, लेकिन उसके लिए जो उनकी टीम में खिलाड़ी चाहिए होंगे रिटेंशन लिस्ट में, वो अच्छी रिटेंशन लिस्ट होनी चाहिए। ऐसे में RCB अब कंफ्यूजन में है कि किसे रिटेन किया जाए। पदिकल और सिराज दोनों अच्छे बल्लेबाज और गेंदबाज हैं। यहाँ बात करें पदिकल की तो ओपनिंग करते हैं और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, वहीं सिराज ने जिस तरीके की कंसिस्टेंसी पिछले कुछ समय में दिखाई है वो एक बेहतरीन बात है। वहीं बात करें दोस्तों अगली खबर की, तो वो नए कप्तान पर है RCB के लिए। जी हाँ दोस्तों, RCB की टीम इस साल नया कप्तान भी खोज रही है क्योंकि विराट कोहली ने तो संन्यास लिया है कप्तानी से, अब वो केवल RCB के लिए बैटिंग करते नजर आएंगे, कप्तानी वो करेंगे नहीं। ऐसे में RCB को ऑक्शन में एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि उनके लिए कप्तानी कौन करेगा, कप्तानी का कैंडिडेट भी उन्हें ढूंढना है। ऐसे में सवाल यह है कि कप्तानी कौन कर सकता है, तो चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि किस कप्तानी की कैंडिडेट को RCB की टीम यहाँ पर ढूंढ रही है। दरअसल दोस्तों, RCB की टीम एक नए खिलाड़ी को खोज रही है जिनका नाम है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर पर वो खूब पैसे उड़ाने वाली है। दरअसल दोस्तों, RCB की टीम श्रेयस अय्यर के कॉन्टैक्ट में है और बताया जा रहा है कि RCB की टीम उनको खरीद भी सकती है। दरअसल अय्यर को एक अच्छा बल्लेबाज मानती है दिल्ली, लेकिन दिल्ली ने उन्हें कप्तानी देने से मना कर दिया, जिसके कारण अय्यर अब यहाँ पर RCB की टीम में शामिल होना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, कप्तानी दिल्ली ने दिया नहीं तो RCB में आना चाहते हैं अय्यर। दरअसल कप्तानी दिल्ली ने दिया नहीं तो अब अय्यर चाहते हैं कि वो दिल्ली की टीम से खेलेंगे नहीं और सीधा किसी नई टीम से खेलेंगे जिससे टीम में उन्हें कप्तानी मिलेगी। तो ऐसे में देखा ही जा रहा है कि क्या RCB उनको कप्तानी देगी और खूब पैसे भी खर्च करेगी RCB उनके ऊपर। तो आपको क्या लगता है, क्या RCB को कप्तानी देनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट में स्पेशल लिंक दिया हुआ है। आपको लिंक से ऐप डाउनलोड करने पर 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा और ये हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है, तो जल्दी डाउनलोड करें। कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।